पाकिस्तान में भारतीय अफसर के साथ अन्याय हुआ है, ऐसी खबर हमें मिल रही है। पाकिस्तान में भारतीय दूतावास के द्वितीय सचिव के साथ अत्याचार की खबर है। और पूरी खबर यह है कि उनके घर की बिजली काट दी गई है। पाकिस्तान की एक और नापाक हरकत, जो पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग के दफ्तर में जो अधिकारी काम करते हैं और सीधे चलते हमारे नेशनल स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एडिटर के पास आशीष सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, पहले तो पूरी जानकारी दीजिए पाकिस्तान की इस नापाक हरकत को लेकर। जी, इंडिया न्यूज के पास में जो इंडियन उच्चायोग है, भारतीय उच्चायोग इस्लामाबाद में, उसने जो नोट वर्बाल इशू किया है पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को, उसकी हमारे पास एक कॉपी आ गई है जिसके पॉइंटर्स हम दर्शकों को स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि उस नोट वर्बाल में क्या लिखा गया है। ये नोट वर्बाल 27 दिसंबर 2018 का है, यानी केवल 3 दिन पहले का। और इस नोट वर्बाल में क्लियरली ये बताया गया है कि पिछले 10 दिनों में ये दूसरा नोट वर्बाल है भारतीय उच्चायोग द्वारा पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय को, जिसमें साफ साफ भारतीय उच्चायोग ने शिकायत की है कि किस तरह से पाकिस्तान की सरकार उनकी अलग अलग एजेंसीज और मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स, जो भारतीय उच्चायोग के डिप्लोमेट्स हैं वहां पर इस्लामाबाद में, उन्हें परेशान कर रहे हैं। न केवल उन्हें परेशान किया जा रहा है बल्कि उनके परिवार और बच्चों को भी परेशान किया जा रहा है। किस तरह से परेशान किया जा रहा है ये डिस्क्राइब किया गया है इस नोट वर्बाल में। सबसे पहला जिक्र किया गया है कि जो भारतीय उच्चायोग इस्लामाबाद में डेप्यूटेड सेकेंड सेक्रेटरी है, द्वितीय सचिव जिसे कहा जाता है, उनके घर की जानबूझकर बिजली काट दी जाती है। ये ठीक ठीक उस नोट वर्बाल में लिखा गया है कि सुबह 7 बजे से लेकर सुबह के 10:45 बजे तक ठीक बिजली काट दी जाती है, और केवल उनके घर की ही बिजली काटी जाती है, इसके अलावा किसी और की बिजली नहीं काटी जाती। और ये तारीख है 21 दिसंबर की जब पहला नोट वर्बाल दिया गया था। दूसरी बार फिर 25 दिसंबर को इस तरह की तकलीफ दी जाती है सेकंड सेक्रेटरी के परिवार को, जिसमें उन्हें प्रॉपरली एड्रेस भी लिखा है कि केवल उसी घर को तकलीफ क्यों दी जा रही है, जबकि उस घर के आसपास के लोग हैं जो बाकी घर हैं, डिप्लोमेट्स हैं, उन्हें कोई तकलीफ नहीं दी जा रही है। ये पहला इंसिडेंट नहीं है जब भारतीय उच्चायोग ने पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय को इस तरह का नोट वर्बाल इशू किया है। इस नोट वर्बाल में यह भी लिखा गया है कि 21 दिसंबर को भी हमने ऐसे ही आपको एक नोट वर्बाल दिया था, लेकिन उस पर कोई एक्शन हुआ नहीं है। चाहे वो आपके डिपार्टमेंट हो या फिर मंत्रालय हो, आप उनको प्लीज इंस्ट्रक्ट कीजिए। इसके पहले हमने देखा है पिछले 6 से 8 महीनों में किस तरह से भारतीय उच्चायोग में इस्लामाबाद में जो भारतीय राजदूत मौजूद हैं और जो बाकी ऑफिसर्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, उनके परिवारों को, उनके बच्चों को, उनकी स्कूल जाते हुए बस को रोक दिया जाता है, उन्हें क्वेश्चन किया जाता है। एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, मैं आपको इंटरव्यू कर रहा हूँ, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे कि इस्लामाबाद में जो भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों के रहने के लिए नया कैंपस बनाया गया है, ये सारी घटनाएं शायद वहीं पर हो रही है अगर मैं ठीक हूं तो, जहां पर ना तो गैस का कनेक्शन ठीक से दिया जा रहा है, बिजली काट दी जा रही है, जो भारतीय वेबसाइट्स है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है। बिल्कुल, और इसमें न केवल भारतीय उच्चायोग के डिप्लोमेट्स को रहने में, उनके परिवार को वहां रहने में तकलीफ हो रही है, बल्कि जो रूटीन काम है वो भी नहीं हो पा रहा है। बिजली, पानी, इंटरनेट, गैस, सारी ये जो सुविधाएं हैं एक एक करके कट की जाती है और स्पेसिफिक घरों पे की जाती है, स्पेसिफिक ऑफिसर्स को टारगेट किया जाता है। एक चीज और आशीष, जो जानकारी मिली है और जितना मैंने पढ़ा है कि भारतीय उच्चायोग की जो वेबसाइट है वो भी ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है, इंटरनेट की स्पीड को भी बाधित किया जा रहा है ताकि जो पाकिस्तानी वहां पर भारत के वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको दिक्कत हो और वो प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल करें, तो पाकिस्तान की नापाक हरकत और मंशा भी इसके पीछे ठीक नहीं है। बिल्कुल, जब इंटरनेट से कनेक्शन नहीं रहेगा तो इंटरनेट भी नहीं चलेगा, और जो प्रोसेसिंग का काम है वो सब कुछ कंप्यूटर पर होता है 95%, और अगर वहां पर वो इंटरनेट कनेक्शन डिस्कनेक्ट किया जाता है, गैस कनेक्शन, पानी, बिजली, ये सब कुछ डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है, तो जो काम करने का प्रोसीजर है, जैसे कि वेबसाइट रूटीन चलनी है, वीजा प्रोसेस करने हैं, कुछ इंटरव्यूज लेने हैं, या फिर जो पाकिस्तानी नागरिक हैं जो इंडिया आना चाहते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, टूरिज्म हो, या फिर कुछ और रिश्तेदारों से मिलने वाली वीजा एप्लीकेशन हो, ये सब भी प्रोसेस नहीं हो पाता है। और इन सब चीजों को काम करने के लिए रहना एक बात है, लेकिन जो दूसरी काम करने वाली बात है, उसकी इन दोनों चीजों के लिए आपको इन मूलभूत सुविधाओं की जरूरत होती है, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, इंटरनेट हो या फिर गैस हो। ये चारों चीजें एक एक करके एक एक घर पर भारतीय उच्चायोग के जो डिप्लोमेट्स है। आशीष, एक बात तो समझ आ गई कि पाकिस्तान की नापाक हरकतें सामने आई है। एक बात अगर आप हमें समझा सके, आपने बताया अभी अभी अपनी बात में कि पाकिस्तान में रहने वाले इंडियन हाई कमीशन की तरफ से पहले भी इसी तरह की एक शिकायत आई थी, 21 दिसंबर को उन्होंने कहा था, अपराइज कराया था पूरे इंसिडेंट को लेकर इंडियन गवर्नमेंट को,
मैं ये समझना चाहूंगी आपसे कि इंडियन गवर्नमेंट ने इस पे अभी तक कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया या क्या कदम उठाएगी सरकार इस पे? जी बिल्कुल, देखिए जो हमारे पास नोट वर्बल हमने एक्सेस किया है वो क्योंकि उसमें काफी कुछ डिटेल्स है सिक्योरिटी रिलेटेड, इसलिए हम उसे जूम करके टीवी पर नहीं दिखा सकते क्योंकि उसमें कुछ एड्रेसेस भी मौजूद हैं जो कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट है। लेकिन इस नोट वर्बल में जो कि नंबर ISL 11303/2018 है उसमें ये क्लियरली लिखा गया है कि हमने आपको बार बार इसकी शिकायत दी है और भी ऐसे और ऐसे प्रॉब्लम्स रहे उसकी शिकायत दी है लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया। जहां तक आपका प्रश्न रहा कि क्या पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने या फिर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कोई एक्शन लिया है, मुझे याद है कि 10 दिन पहले पिछले हफ्ते ही ये भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान हाई कमीशन के डिप्लोमेट को समन किया था और उसे समन करके यहाँ पर बाकायदा ये चीजें बताई गई थी कि अगर हमारा भारतीय उच्चायोग जो कि इस्लामाबाद में है वो आपके विदेश मंत्रालय को चार बार चिट्ठी लिख के नोट वर्बल इशू करके अपनी तकलीफ बता रहा है और आप नहीं सुन रहे हैं तो हम शायद आपको दिल्ली में सुना दें। लेकिन उसके बावजूद कोई कदम नहीं उठाया गया, इसीलिए 27 दिसंबर को भारतीय उच्चायोग ने एक बार फिर पाकिस्तान के विदेश। लेकिन आशीष ये मसला लंबा खींच रहा है, मार्च में इसी तरीके की शिकायत हुई थी, 30 मार्च को एक सहमति बनी थी 1992 का जो कोड ऑफ कंडक्ट है और उसके अनुसार ये तय हो गया था, एक प्रेस रिलीज जारी हुई थी कि मिल बैठकर इस मसले को सुलझाया जाएगा, इसके बाद फिर से ऐसी शिकायत आई, फिर भारतीय सरकार ने कई मौकों पर इस तरीके के शोषण के मुद्दों पर पाकिस्तान हाई कमिश्नर को तलब किया था, 14 नवंबर को पाकिस्तान को एक वर्बल नोट भेजा गया था, तो ये बड़ा एक सिलसिला है जो चला आ रहा है और स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही। और आशीष इसी से मैं ऐड करना चाहूंगी, एक और सवाल मेरे मन में जो उठ रहा है कि हाउ विल द गवर्नमेंट डील विद इट, इंडियन गवर्नमेंट इसमें हमारे पास विकल्प क्या है, किस तरह से हम अपने लोगों को इस तरह के टॉर्चर से बचा सकते हैं, तुरंत एक्शन अगर लेना चाहें तो क्या किया जा सकता है? बिल्कुल मिश्रा, दो प्रश्न आपने पूछा, पहले प्रश्न का जो जवाब यह है कि पाकिस्तान एक रोग नेशन है, उसे आप कितना भी एक्सपेक्टेशन करें, चाहे वो जिनेरा कन्वेंशन की बात हो, मिलिट्री डोमेन की बात हो, सीज फायर वायलेशन की बात हो या फिर विदेश मंत्रालय के डोमेन की बात हो, वो बिल्कुल भी किसी प्रोटोकॉल, रूल, रेगुलेशन, म्यूचुअल कर्टिसीज को बिल्कुल नहीं मानते हैं। हर डोमेन में हम देख चुके हैं, चाहे वो सीज फायर वायलेशन हो या फिर हमारे डिप्लोमैट्स को हरासमेंट करने वाली बात हो, तो ये सिलसिला चलता रहा है। दूसरा प्रश्न रहा कि कैसे भारत अब इसे डील करे, मुझे याद है पिछले हफ्ते मैं एक टॉप डिप्लोमैट से, सर्विंग डिप्लोमैट विदेश मंत्रालय में, उनसे बात कर रहा था जिनकी अथॉरिटी है ये सब डिसीजन लेने की, उन्होंने मुझे साफ साफ कहा कि अगर भारत इस स्तर पर उतरेगा जो कि उतर चुका है पिछले 6-8 महीने में, अगर हमारे डिप्लोमैट्स को वहां पर परेशान किया जाएगा, उनके परिवारों को परेशान किया जाएगा, तो हम भी उसी उस स्तर पर उतर कर पाकिस्तान को उसी भाषा में जवाब देंगे जो वो हमारे साथ कर रहा है, लेकिन फर्क यह होगा कि हम उसे 10 गुना बढ़ाएंगे। और जब ये किया जाता है, जो कि हमने 6 महीने पहले देखा था, जब भारतीय सरकार ने भी इस बात का निर्णय लिया कि हम भी टिट फॉर टैट करेंगे, उन्हीं की भाषा में उनको जवाब देंगे, तुरंत 2 दिन के अंदर में सब कुछ ठीक हो गया इस्लामाबाद में। और जब हमने न्यू दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन की तरफ से रिपोर्ट्स आनी चालू हुई, उन्होंने फोन करना चालू किया इंडियन मीडिया को भी, विदेश मंत्रालय को भी, कि हमारे डिप्लोमैट्स को भारत में परेशान किया जा रहा है, ठीक 2 दिन के भीतर में ये सब कुछ वहां पर भारत में भारतीय उच्चायोग से रिलेटेड, उनके परिवार से रिलेटेड सारे कनेक्शन, मूलभूत सुविधाएं सब रिस्टोर हो गई और ठीक ठाक चलती रही 6 महीने से। अब ये फिर सिलसिला शुरू हुआ है पिछले 1-1.5 महीने से, भारत सरकार को पता है कि किस तरह से स्पेसिफिकली विदेश मंत्रालय को किस तरह से उसी की भाषा में उसको जवाब दिया जाए, लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये 10 गुना बढ़कर जवाब होगा तभी पाकिस्तान समझ में आएगा। चलिए आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।